ऐसा कहा गया है कि इंसान के जीवन में हर समय एक जैसा नहीं रहता। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के दिनेशपुर का एक ऐसा परिवार जिस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आर्थिक तंगी के चलते यह परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आपको बता दें कि 3 साल की इनकी मासूम बच्ची एंजल को कैंसर है। एंजल का पहले चेकअप बरेली के राममूर्ति स्मारक ट्रस्ट हॉस्पिटल में हुआ। जैसे ही घर वालों को कैंसर का पता चला, मानो घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई हो और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस हॉस्पिटल में बच्चे के इलाज के लिए अच्छा डॉक्टर ना होने के कारण बच्ची को दूसरी जगह रेफर कर दिया गया। इस परिवार की आर्थिक तंगी और गरीबी की मार के चलते इस बच्ची का इलाज किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में नहीं हो पा रहा है। इस परिवार के लोग अपने घर के सब गहने तक बेच चुके हैं। एंजल के पिता अब आर्थिक तौर पर इतने कमजोर पड़ते जा रहे हैं कि लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को इस हालत में देखकर एक पिता मानो टूट सा गया है। फिर भी एक उम्मीद की अगर एंजल का ऑपरेशन होता है तो वो ठीक हो सकती है। इस ऑपरेशन में करीब 20 लाख की रकम लग सकती है, जिसको जुटाने में एक बेबस पिता मदद की गुहार लगा रहा है। नाम एंजल राय, जनवरी 2022 से कैंसर पीड़ित, उम्र 3 वर्ष, पीड़ित कैंसर से। पिता का नाम सिमरन राय। मोबाइल नंबर 8650031250। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पर। अकाउंट नंबर 501004842813। IFSC कोड HDFC00074666। पता जगदीशपुर दिनेशपुर उत्तराखंड। उत्तराखंड के दिनेशपुर से अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल, मैं हूं अर्जुन कुमार। हम इस वक्त मौजूद हैं दिनेशपुर के एक गांव में जिसका नाम जगदीशपुर है। वहां एक 3 साल की छोटी ऐसी बच्ची, प्यारी बच्ची, जो कैंसर से पीड़ित है। पिछले 6 महीने से माँ बाप इलाज को दर दर भटक रहे हैं। आइए बात करते हैं इस बच्ची के पिता से। सर, कब पता चला आपको कि इसको कैंसर है और डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा है इसको? इसका इलाज अभी इस समय कहाँ चल रहा है, क्या स्थिति बनी हुई है इस समय? नमस्कार, मैं समीरन, मेरी 3 साल की बच्ची है एंजल राय। इसको कैंसर है पता चला है। पिछले फरवरी में राममूर्ति में रिपोर्ट आया कि कैंसर है। उसके बाद वहां से रेफर किया हमें जोली ग्रांट के लिए देहरादून। फिर देहरादून में 5 कीमो होने के बाद, 5 महीने इलाज चलने के बाद वहां से पता चला कि इसका ऑपरेशन होना है। जो ऑपरेशन वहां हो नहीं सकता, और दिल्ली में भी बात हुआ है जो वहां भी नहीं हो सकता, तो डॉक्टर हमें वहां भेज रहे, मुंबई में टाटा मेमोरियल भेज रहे, तो जिसका जो खर्चा है वो हम उठा नहीं सकते। पिछले 5 महीने से इलाज कराते कराते बिल्कुल हाथ पैर पूरा खाली हो गया। जो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया हमारी मदद करें। तो अभी तक जैसे 5 महीने हो गए हैं, तो जैसे स्थानीय लोगों से या और भी सोर्सों से क्या आपको कहीं से मदद कुछ मिल पाई है? जी बिल्कुल, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हो सका। अभी तक बच्ची का इलाज चल रहा था उसी से, और वहाँ आयुष्मान कार्ड भी चल रहा था ना, उस चक्कर में हमारा इलाज अभी तक चल रहा था। और जहाँ अभी भेज रहे हो ना, वहाँ आयुष्मान चलता है ना कुछ चलता है, वहाँ कैसे काम करना पड़ता है। इसके लिए हमारे पास इतना पैसा है नहीं। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी मदद करें। तो बच्ची के पिता का साफ तौर पर कहना है कि इसका इलाज अब उत्तराखंड के जॉली ग्रांट में स्थित हॉस्पिटल में नहीं हो सकता है। लास्ट कीमोथेरेपी 3 दिन बाद है, उसके बाद इस बच्ची को मुंबई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाएगा। इस बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए और आप लोगों से ये गुजारिश है कि इस बच्ची की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं अर्जुन कुमार, खबर पड़ताल।